है लाइसेंस बनाने की, आपको मैंने वेलकम पेज पे डाउनलोड करना बता रखा है पहले ही। डाउनलोड करने के बाद आपने प्लेयर इंस्टॉल कर लिया था, सैंपल चलाने की कोशिश की, उसने लाइसेंस मांगा। अब हम डिटेल प्रोसेस देखते हैं कि लाइसेंस कैसे आप अपने कस्टमर के लिए बनाएंगे। ये आपको लिंक वहां पे अपने कंट्रोल पैनल में जाके इस लिंक पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू लाइसेंस पे। तो ये वाला पेज आपका वहां पे खुल जाएगा, इसमें ये लिखा होगा, क्लिक फॉर मोर हेल्प है। ये आइकन, ये लिंक से क्लिक करते ही आपको इसका डिटेल्ड हेल्प मिल जाएगा, जिसको आप पढ़ लेना, पढ़ना जरूरी भी होगा क्योंकि कई छोटे छोटी बातें उसमें दी होती हैं। तो इस तरह का एक लंबा सा पेज खुल जाएगा, इसकी डिटेल मैं एक एक करके आपको अभी बताता हूं। तो सबसे पहले तो इस लिंक की बात कर रहा था मैं, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से काफी सारा लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको आप अपने लेवल पे स्टडी कर लेना, इसको करना जरूरी रहेगा। अच्छा, अब उसी पेज के नीचे हमें जाके एक इस तरह से मिल रहा है, इंपॉर्टेंट है, इफ ए कस्टमर इज कमिंग फॉर बाइंग योर सेकंड पैकेज डोंट क्रिएट अनदर लॉगिन आईडी। ये काफी चीजें यहां बता रखी होंगी, तो यहां वो ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, पर मोटे मोटे मैं आपको स्टार्ट करवा सकता हूं। ये आपका जो कस्टमर है, लेट अस से वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसने आपसे एक पैकेज बाय किया, EARTH नाम का पैकेज उसने आपसे खरीदा है। आप उसके लिए एक लॉगिन आईडी बना रहे हैं, लॉगिन आईडी में उसका फोन नंबर बना लें या प्रेफरेबली कोई अपना रिसीट नंबर बना लें। ईमेल आईडी भी बनाया जा सकता है, लेकिन मच बेटर डिजिट्स रहते हैं क्योंकि बताने समझाने थोड़े आसान रहते हैं, कंफ्यूजन कम होता है, कस्टमर आपका एंटर करने में गलतियां कम करता है। और वैसे भी आपका, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाएंगी लॉगिन आईडी के हिसाब से, तो कल को आपको उसको कोई एसएमएस वगैरह भेजने हैं तो एक लिस्ट आपको डाउनलोड एक्सेल फॉर्म में आपको अभी दिखा दूंगा वो मिल जाती है, तो इसलिए इनका फायदा ही रहता है। रिमार्क्स में आप उसका फोन नंबर या कुछ भी, आप उसके घर का एड्रेस या कुछ भी स्टोर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप उसमें। और अगर यही कस्टमर आपका दोबारा आपका एक सेकंड पैकेज बाय कर रहा है, लेट अस से EPQRS कोई आपने पैकेज बना रखा है, तो आपको उसके लिए वही फोन नंबर फिर से एंटर करना है, अलग फोन नंबर नहीं एंटर करिएगा, वही फोन नंबर से आप उसका सेकंड पैकेज जो है वो पैकेज आप उसमें कॉन्फिगर करेंगे। मेरी बात अगर समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूं। एक कस्टमर EARTH के लिए आया, उसी का फोन नंबर आपने लॉगिन आईडी बना दिया। अब वही कस्टमर दोबारा आता है, कहता है सर मुझे आपके पहले वीडियो पसंद आए, मैं ये खरीदना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको लॉगिन आईडी फिर वही एंटर करना है जो पहले एंटर किया था। ऐसा नहीं कि अब उसके लिए अलग बना दो, आप वही एंटर करें उसके लिए, उससे आपकी मैनेजमेंट आसान हो जाएगी और स्टूडेंट के लिए भी प्ले करने आसान होंगे। मैनेजमेंट क्यों आसान होगी, क्योंकि जहां आपको ये समरी मिलेगी इस कस्टमर की, वहां उसके सारे के सारे परचेजेस आपको एक जगह मिल जाएंगे, और वो कैसे मिलती है, कहां मिलती है, वो बात की बात है। सो आपने उसके लिए एंटर कर दिया, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये एंटर कर चुके हैं, उसके बाद यहां पे उसका पैकेज आपको स्पेसिफाई करना है कि वो कौन से पैकेज के लिए आप उसका लाइसेंस बना रहे हैं। जब आप डेमो मोड में हैं तो यहां पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, EARTH। लेकिन जब आप बाय कर लेंगे तो यहां पे आपने जितने पैकेज उसके कॉन्फ़िगर कर रखे होंगे वो सारी की लिस्ट आपको यहां मिल जाती है, और वो पैकेज कॉन्फ़िगर कैसे करने हैं उसके लिए आप जब परचेज करते हैं तो ऊपर वाले लिंक्स जो अभी आपको कुछ लिंक दिखाई दे रहे थे उनमें एक मैनेज पैकेज का एक लिंक एडिशनल ऐड हो जाता है, वो हमने ऐड नहीं किया क्योंकि डेमो में हम थोड़ा लिमिट रखना चाहते थे। तो मैनेज पैकेज को क्लिक करेंगे तो वहां पे आप नए नए पैकेज अपने डिफाइन कर सकते हैं। सो अभी जबकि डेमो की बात हो रही है तो आपको यहाँ पे EARTH सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक सस्पेंड का ऑप्शन था जो अभी मेरे से निकल गया है पीछे, वो जहां पे मैं आपको पैकेज सिलेक्ट करवाया था उसके ऊपर जस्ट एक सस्पेंड का ऑप्शन था, वो या तो मैं दो मिनट में दोबारा पूरा स्क्रीन खुलेगा तो मैं दिखा दूंगा आपको,
बेसिक पर्पज उसका ये है कि अगर आप उसको टिक मार देते हो और सस्पेंड कर देते हो तो आपके कस्टमर का लाइसेंस इमीडिएटली सस्पेंड हो जाता है और वो इमीडिएटली अपने वीडियो नहीं देख पाएगा। उसमें आप एक मैसेज भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि सस्पेंड क्यों किया गया है। जब वो अपने वीडियो प्ले करने की कोशिश करेगा तो सस्पेंडेड कस्टमर को वहाँ पे रीज़न बता दिया जाएगा। वहाँ आप ये कह सकते हैं कॉन्टैक्ट अस, यू हैव नॉट पेड योर फीस या वट एवर, तो वो उस काम के लिए है। और ये सस्पेंड आप कब करेंगे, जब आप उस कस्टमर को सर्च करके उसका एडिट कर रहे हैं, क्योंकि एडिटिंग भी आप करेंगे कभी कभी आके, तो वहाँ पे सस्पेंड आप टिक कर देना। और उसके बाद एक्सपायरी का ऑप्शन, तो यहाँ एक्सपायरी के ऑप्शन का मतलब है कि आज से कितने दिनों बाद एक्सपायर होगा। इसका मतलब है 17th of March 2019 को ये एक्सपायर हो जाएगा। जल्दी से अगर 30 डेज पे क्लिक करेंगे डेट ऑटोमेटिकली 45 पे, 730 पे, ये शॉर्टकट हैं ताकि यहाँ पे आप क्लिक करें तो जल्दी से यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, बजाय कि आप कैलकुलेट करते रहें। तो यहाँ लिखा भी है प्लस 60 डेज फ्रॉम टुडे, तो जो भी वो आपने कॉन्फ़िगर किया होगा वो उस हिसाब से हिंट दे देगा कि ये 60 डेज, ताकि समझना आसान रहे। पैकेज प्ले कोटा है कि एक पैकेज के वीडियोस पे टोटल प्ले कोटा कितना है। आपका पैकेज है लेटर से EARTH और इसमें आप कस्टमर को लेटर से 3 वीडियोस दे रहे हैं। 20,000 का मतलब है कि वो एक वीडियो को 20,000 बार देख ले या तीनों को 6,000 बार देख ले, वो उसका कोटा उससे डिटरमिन होता है। तो अगर 100 वीडियोस पे आपने 20,000 का लगाया है तो एक वीडियो को वो 200 बार देख सकता है, हर वीडियो को 200 बार देख ले, या एक वीडियो को 20,000 बार देख ले, उतना उसको आप एक कैपेसिटी दे रहे हैं। ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद वॉच टाइम कोटा है, वो मैं अभी उसको आगे बता रहा हूं। ये वॉच टाइम कोटा वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो, जैसे ये वाला वॉच टाइम कोटा है, ये स्क्रीनशॉट हमने इस तरह ले लिया है, ये आप याद देखो लॉगिन आईडी ऊपर चला गया, रिमार्क्स चले गए, स्टेटस, ये वो सस्पेंशन वाला जो मैं बता रहा था। तो वॉच टाइम कोटा पे यहां क्लिक करोगे तो कई सारे आपको यहां ऑप्शन मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि हर वीडियो को, इंडिविजुअल वीडियो को वो एक बार देख पाए, डेढ़ बार देख पाए, दो बार देख पाए। तो ये इंडिविजुअल वीडियो पे कितने प्ले देने हैं ये आप उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जबकि पैकेज प्ले कोटा में पूरे पैकेज पे था लिमिट, और वॉच टाइम कोटा पर वीडियो पे है कि एक वीडियो को वो कितनी बार आप उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। लेटर से आपके 100 वीडियोज हैं और आपने 1:2 वीडियो ड्यूरेशन दे दिया तो हर वीडियो को वो एक एक बार देख पाएगा, और जो बीच में उसने पॉज किया तो वो टाइम काउंट नहीं होगा, जहां उसने रोक दिया वो ही काउंट होगा, अगली बार वो जितना देखेगा वो उसमें ऐड करके कोटा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो और जैसे ही बंदा वीडियो प्ले करेगा उसको बता दिया जाएगा कि अभी तक आप इतने मिनट देख चुके हो और आपके इतने मिनट बाकी हैं। काफी इंस्टीट्यूट को इसका काफी फायदा रहता है। तो ये पर वीडियो प्ले कोटा है जिसपे पॉज पीरियड इज नॉट काउंटेड, और अगर आप फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसने स्पीड 1.2x पे रखी है तो वो 1.2 काउंट किया जाएगा, तो उसका टाइम उसी से काउंट किया जाएगा। लेटर से आपने उसका कॉन्फ़िगर किया था 1 times वीडियो ड्यूरेशन, वीडियो का ड्यूरेशन 10 मिनट है, आपने 1.2 पे उसने देखना शुरू कर दिया तो 10/1.2 मिनट उसको मिलेंगे, क्योंकि हम उसको मिनट फिर कम करेंगे क्योंकि उसने ज़्यादा स्पीड पे देख लिया, देखा तो उसने 10 मिनट का ही कंटेंट। इसलिए ये बेसिकली मतलब है कि एक वीडियो को वो कितनी बार देख सकता है। दोबारा बता दूं, डबल स्पीड पे देख रहा है तो उसका कोटा ऑटोमेटिकली 5 मिनट हो जाएगा, क्योंकि वो वीडियो को डबल स्पीड पे देख रहा है और वीडियो 10 मिनट का है।
स्पीड मैंने बताया था कि प्लेयर के नीचे स्पीड बढ़ाने घटाने का ऑप्शन रहता है, तो अगर वो उसको ज्यादा फास्ट करके देखता है तो उसका कोटा ऑटोमेटिकली 5 मिनट हो जाएगा। पर्पस यही है कि एक वीडियो को कितनी बार वो देख पाएगा, स्लो देखे या फास्ट देखे। अच्छा, इसके बाद जो ऑप्शन है ये आपके प्लेटफॉर्म अलाउड कि आप उसको बोथ विंडोज और एंड्रॉयड पे अलाउ करना चाहते हो या अकेले विंडोज पे देखे या अकेले एंड्रॉयड पे देखे, ये आप यहां कॉन्फ़िगर कर सकते हो। विंडोज ओनली का मतलब है कि वो सिर्फ विंडोज कंप्यूटर पे देख पाएगा और विंडोज पे वो दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाएगा। एंड्रॉयड पे देख पाएगा और वो एंड्रॉयड पे शेयर नहीं कर पाएगा। दोनों पे देंगे तो आप एक तरह से उसको दो लाइसेंस दे रहे हो, एक विंडोज कंप्यूटर के लिए एक एंड्रॉयड कंप्यूटर के लिए। और अगर आपने वॉच टाइम लिमिट लेट अस से 1 क्रॉस दिया हुआ है और वो आपने ये करा है, तो विंडोज पे अगर उसने लेट अस से 10 मिनट टोटल ड्यूरेशन है लेट अस से वीडियो का, विंडोज पे उसने 2 मिनट देख लिया है, तो एंड्रॉयड पे वो सिर्फ 8 मिनट ही देख पाएगा क्योंकि कोटा मिला जुला के ही उसका कवर होगा। ऐसा नहीं होगा कि विंडोज पे भी 10 मिल जाएं, एंड्रॉयड पे भी 10 मिल जाएं, ऐसा नहीं होगा। विंडोज पे देखे या एंड्रॉयड पे देखे, वो टोटल क्यूमुलेटिव उसका काउंट किया जाएगा, तो इसमें डरने की बात नहीं होगी। तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 10 मिनट का वीडियो है, आपने उसको 10 मिनट का कोटा दे रखा है, 2 मिनट का विंडोज पे देख चुका है, उसके बाद बाकी का वीडियो अगर वो एंड्रॉयड पे देखता है तो उसका कोटा वहां एंड्रॉयड पे 8 मिनट ही बचा होगा, क्योंकि 8 और 2 10, 2 मिनट विंडो पे देख लिए, 4 मिनट एंड्रॉयड पे देख लिए और बाकी विंडो पे आके देखना चाहेगा तो विंडो पे बाकी वो 4 मिनट ही देख पाएगा। उसके बाद डोंट रन इनसाइड वर्चुअल मशीन, ये कई कंप्यूटर्स के ऊपर मैक कंप्यूटर हैं जैसे, उन पे विंडोज चलता है, हम नहीं चाहते कि उस पे विंडोज वो उस मैक में विंडोज में देखे। ये आप किसी से पूछ लीजिएगा वर्चुअल मशीन क्या होती है। तो इसमें स्क्रीन कैप्चर का बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए आप उसको डिसेबल ही रखिएगा। लेकिन अगर कोई ट्रस्टेड कस्टमर है, वो मैक वाला है, आपको पता है कि वो बंदा ऐसा नहीं है, तो आप उसको ये हटा के दे दीजिए। बाइंड टू मशीन, इसका मतलब ये है कि वो वीडियो दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चल पाएगा। तो अगर आपने किसी को लाइसेंस दिया है तो वो एक ही कंप्यूटर पे चलाएगा, अगर वो दूसरे कंप्यूटर पे वही लाइसेंस लॉगिन आईडी एंटर करने की कोशिश करेगा तो वहां एक्सेस डिनाइड आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर वही कस्टमर कहता है जी मैंने फर्स्ट कंप्यूटर अपना बेच दिया और मेरे को दूसरे कंप्यूटर पे माइग्रेट करना है, यानी कि बंदा जेन्युइन है, तो आपको इसी में आगे जाके एक जगह माइग्रेशन का ऑप्शन आता है, आप उसको माइग्रेट कर देंगे तो वो पहले वाले से हट जाएगा और दूसरे वाले कंप्यूटर से बाइंड हो जाएगा। इस बात को मैं दोबारा समझा दूं, लेट अस से ये कस्टमर है, वो इस कंप्यूटर के ऊपर लाइसेंस आपसे लिए हुए है। अब ये उसका लेट अस से होम कंप्यूटर है और ये उसका ऑफिस कंप्यूटर है, वो इस पे देख रहा है, लेकिन जब वो ऑफिस में और उसका लॉगिन आईडी है 9988 समथिंग, वो यही लॉगिन आईडी वहां एंटर करता है तो उसको एक्सेस डिनाइड आ रहा है। अब अगर वो कस्टमर कहता है कि मेरा ये वाला कंप्यूटर मैं हटा के अपना शिफ्ट करना चाहता हूं दूसरे कंप्यूटर पे किसी भी वजह से, पहले वाला खराब हो गया है, पहले वाला बेच दिया है, या किसी वजह से वो दूसरे पे चाहता है कि देखे, तो उसका सारा जो कोटा है सब कुछ है वो कैरी ओवर हो जाएगा टू ऑफिस कंप्यूटर, और इसके लिए आपको वहां पे एक माइग्रेट का ऑप्शन कंट्रोल पैनल को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो मिल जाएगा, सर्च करने पे कस्टमर का वहां पे आपको माइग्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस बटन को क्लिक कर देंगे तो ये वाले कंप्यूटर पे वो हट जाएगा और नए वाले कंप्यूटर पे वो देख पाएगा। तो इस तरह से अगर कस्टमर ने झूठ भी बोला है तो
आपका नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो वहां पे पहले वाले पे देख नहीं पाएगा, नए वाले पे देख लेगा। अल्टीमेटली देखेगा वो एक ही कंप्यूटर के ऊपर। अच्छा, आगे है प्रोजेक्टर अलाउ फुल स्क्रीन। ये ऑप्शन पहले होता था, अब इसका ज्यादा यूज नहीं है, तो फुल स्क्रीन इज अलाउड एट प्रेजेंट। प्रोजेक्टर प्रोटेक्शन, ये आप अगर चाहते हो कि आपके वीडियो को सिर्फ एक लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे ही देखा जाए, कस्टमर उस पर प्रोजेक्टर ना लगाए, HDMI केबल। कई बार होता है कस्टमर उसको अपने बड़े टीवी पे देख रहा है या अपने इंस्टीट्यूट में वो उसको यूज कर रहा है कई बच्चों को दिखाने के लिए, तो प्रोजेक्टर प्रोटेक्शन इस काम आता है कि आप उसको प्रोजेक्टर या सेकंड मॉनिटर पे प्रिवेंट कर रहे हो। ये डोंट डिमोलिश वाला, ये क्या करता है कि जितने भी विंडोज चल रहे हैं उस कंप्यूटर के ऊपर, वो सभी को क्लोज कर देगा। ये अगर किसी ने PDF फाइल खोल रखी है या कोई वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रखा है या कुछ और काम कर रहा है, वो फोर्सिबली क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा बुरा हो सकता है, कस्टमर आपका एतराज कर सकता है, तो इसलिए आप इसको यूजुअली टिक रखें ताकि उन्हें डिमोलिश ना किया जाए, उन्हें चलने दिया जाए। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं, आपका कुछ आइडिया इस टाइप से है कि कुछ भी ना करे, तो आप इसे आप हटा दें, तो वो सिर्फ आपके प्लेयर के अलावा कुछ भी और उस कंप्यूटर पे नहीं चल पाएगा। इंटरस्टिशियल पॉपअप, शो इंटरस्टिशियल पॉपअप्स, ये क्या होता है कि जब कस्टमर वीडियो प्ले कर रहा है तो बीच बीच में कभी यहां पे, कभी यहां पे, कभी यहां पे, रैंडम प्लेस पे उसका लॉगिन आईडी, जो कि फोन नंबर आपने बनाया है, वो फ्लैश करता रहेगा, वो बीच बीच में आता रहेगा, इंटरस्टिशियल पॉपअप। उससे क्या होगा कि वो कस्टमर अगर वेबकैम के थ्रू आपके वीडियो को कैप्चर भी कर लेता है, अपने स्क्रीन के सामने वेबकैम रख के कैप्चर कर लेता है, तो उसका फोन नंबर तो आ ही रहा है। यू कैन ऑलवेज चार्ज हिम अंडर कॉपीराइट एक्ट एंड ऑल। तो ये आपके वीडियो का डबल प्रोटेक्शन करने के लिए आप इंटरस्टिशियल पॉपअप वहां पे शो करते हो। ये पॉपअप कलर है, यहां पे आप क्लिक करके उसका कलर चूज कर सकते हैं ताकि आप अपनी बैकग्राउंड से मैच कर लें। अगर आपके वीडियो की बैकग्राउंड रेड है तो कलर येलो रख सकते हैं, व्हाइट है तो ब्लैक रखिए, ब्लैक बैकग्राउंड है तो व्हाइट रख सकते हैं। ये आपके पॉपअप का कलर है। सिस्टम टाइमर नॉर्मल फास्ट, ये पॉपअप कितनी देर बाद अपीयर होता है, अगर जल्दी जल्दी अपीयर कराना चाहते हैं तो इसे चूज करें, नॉर्मल रखना चाहते हैं तो ये रखें। रिकमेंडेड यही है कि नॉर्मल रख लें उसको, पर्पज तो दिखाने और डराने का ही है। उसके बाद ऑप्शन है शो डेज लेफ्ट। ये वीडियो प्लेयर के लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर, अगर आप चाहते हो कि कस्टमर को यह दिखाना है कि आपके कितने दिन बाकी हैं, तो आप इसे टिक कर दें। अगर उसके 50 दिन बाकी हैं तो 50 आएगा, नेक्स्ट डे ओपन करेगा तो 49 आएगा, तो कस्टमर को लगातार आप ये शो कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने अगर अनलिमिटेड कोटा दे रखा है, अनलिमिटेड डेज दे रखे हैं, तो आप उसको फिर उसको मतलब टिक ना मारिए, दिखाने का फायदा ही नहीं है जब आपने उसको डेज अनलिमिटेड कर रखे हैं, तो अदरवाइज आप इसको टिक मारते हैं। यूजर लॉग ऑन एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ये इसमें कई ऑप्शंस आएंगी। ईच टाइम द प्लेयर इज लॉन्च्ड, अब यूजर को आपको याद होगा कि लॉग इन बॉक्स पे बात रुकी हुई है। ये लॉग इन बॉक्स, अगर आप उसको चाहते हो कि वो हर बार उसको लॉग इन करवाया जाए, तो आप ये चूज कर लेना। अगर आप चाहते हो नेवर आस्क, तो ये कर लेना, हर तीसरे दिन बाद, हर सातवें दिन बाद, 15वें दिन बाद, ये आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड ऑप्शन है वो आप ये वाला रखो। इसका कारण क्या है कि जैसे ही कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट आता है, एप्लीकेशन हमेशा सीक्रेट लॉगिन करती है, वो हमेशा सीक्रेट लॉगिन करती है, इंफॉर्मेशन उस कंप्यूटर से आपके सर्वर तक लेके जाती है।
और हर कंप्यूटर पे आजकल इंटरनेट होता है, तो इसलिए अगर आप कह रहे हो नेवर आस्क आफ्टर फर्स्ट ऑथेंटिकेशन, तो ये फिर भी उसकी ऑथेंटिकेशन बैकग्राउंड में होती रहती है। तो ये ऑप्शन कस्टमर को तंग नहीं करता, वरना क्या होता है कि अगर आप ईच टाइम द प्लेयर इज लॉन्च्ड, तो वो हर बार कस्टमर को कि मुझे हर बार वो लॉग इन पे एंटर करना पड़ता है, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और अगर आपको ना ये पसंद है, वो आप करना नहीं चाहते, तो आप 7 days वाला चूज कर लें, ये भी थोड़ा सही रहता है कि हर वीक बाद उसे एक बार लॉग इन करवा लिया जाए, या आपके और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इनमें से जैसा भी चाहें। ये सब करने के बाद आप इस सेव बटन को क्लिक कर दें, उसका लाइसेंस क्रिएट हो जाएगा। कस्टमर ग्रोथ में आके जब आप इस पे क्लिक करोगे, कस्टमर ग्रोथ में आपको डाउनलोड ऑल कस्टमर डेटा, ऑल सिंक लॉग, सिंक लॉग का मतलब है कि कस्टमर का वॉच हिस्ट्री आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। और ये जनवरी में 2 कस्टमर क्रिएट हुए, दिसंबर में इतने क्रिएट हुए, ये कस्टमर का सारा लिस्ट आपके पास आ जाता है। इसको आप हमेशा एक साल में कितने कस्टमर ग्रो हो रहे हैं आप उसको देख सकते हैं, जैसे उसने बोला लास्ट 1 ईयर में 90 कस्टमर उसको मिले हैं। और इस कस्टमर पे अगर मैं, जैसे ये कस्टमर है, इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करते ही मैं उसकी डिटेल्ड लाइसेंस पेज पे पहुंच जाऊंगा, वहां जाके मैं देख पाऊंगा कि इस कस्टमर ने क्या क्या पैकेजेस बाय किए हुए हैं, और वो उसकी वॉच हिस्ट्री और सारा कुछ मैं वहां पे देख पाऊंगा। ये आप डेमो में एक बार करके भी देख लेना, आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। फिर ये एक्टिविटी लॉग है, इसमें हर एक्टिविटी का लॉग मेंटेन होता है, किस डेट को एक्टिविटी हुई, किस आईपी एड्रेस से लॉगिन हुआ, और ये लॉगिन हुआ या लाइसेंस क्रिएटेड। जैसे ये लाइसेंस क्रिएट हुआ होगा, तो ये लाइसेंस क्रिएटेड आपके अगर एम्प्लॉयज हैंडल कर रहे हैं, तो उन पर नजर रखने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आइए वापस जहां पे हमारा कस्टमर रुका हुआ है, वो लॉगिन आईडी आपने ऊपर क्रिएट कर दिया। अब वो कस्टमर आपका जो स्टूडेंट है, उसको आपने फोन पे या व्हाट्सएप पे बता दिया कि अपना फोन नंबर एंटर करो और क्लिक टू लॉगिन दबा दो। समझ रहे हैं बात आप, कि वो लाइसेंस क्रिएट आपने ऊपर कर दिया, अब कस्टमर को आपने बोला कि भाई अब आप ये एंटर करो। तो इस तरह से कॉन्टैक्टिंग इंटरनेट एंड वेरीफाइंग आएगा, वेरीफाई हो जाएगा, और वीडियो प्ले स्टार्ट्स। और अगर आप ये वाइट वाला देखें, ये कस्टमर का फोन नंबर बीच बीच में फ्लैश हो रहा है, ताकि वो कैप्चर करे तो पकड़ा जाए। वैसे तो प्रोटेक्टेड है हमारा, पर कोई सामने वेबकैम लेके खड़ा हो जाता है तो उसका क्या कर सकते हो आप उसका, तो उसका यही इलाज है कि ये शो किया जाए। ये प्रोडक्ट कोड, कितने दिन बचे शो हो रहा है, प्लेस लेफ्ट शो हो रहा है, और ये छोटी स्क्रीन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, बड़ी स्क्रीन पे फुल स्क्रीन खुल जाएगा। और ये स्पीड आगे पीछे हो सकती है, ये क्लिक करके आपका कॉपीराइट नोटिस, ये आपका मैक्सिमाइज, ये कौन सा वीडियो प्ले हो रहा है, आपकी कंपनी का नाम, ये सारा कुछ उस कस्टमर को आपका नजर आएगा। तो ये सैंपल में पीडीएफ फाइल भी स्टोर की जा सकती है, तो ये आपका वीडियो चल रहा है साथ में, अगर कोई पीडीएफ फाइल आप दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे एनक्रिप्शन के टाइम पे आपको ये वहां पे इंक्लूड करनी पड़ती है। उसके लिए आप हाउ टू एनक्रिप्ट वाला वीडियो एक बार चेक कर लेना, जो मैंने आपको दिया भी होगा लिंक उसका, तो वहां पे आपने अगर पीडीएफ पैक कर रखी है साथ में, तो यहां पे एक लिंक आ जाएगा स्विच टू पीडीएफ। ये वीडियो तो वो देख ही रहा है, लेकिन पीडीएफ अटैच्ड है, तो इस पे क्लिक करके आपका कस्टमर पीडीएफ वाला पेज खोल सकता है। और ये उसके पेजेस हैं, यहां पे वही है कंपनी नेम स्विच टू वीडियो, क्योंकि वो पीडीएफ पे आ गया है, यहां से स्विच टू वीडियो आएगा। कोई फाइल ओपन करनी है वो नीचे आ गया, और प्लेस लेफ्ट प्ले, जो भी सारा कुछ है, मैक्सिमाइज कर सकता है, बड़ी स्क्रीन पे पीडीएफ फाइल को देखना चाहता है वो ये कर सकता है,
तो ये बड़ी स्क्रीन वाला है, स्क्रीनशॉट मैंने छोटा लगाया है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये फुल स्क्रीन कंप्यूटर के ऊपर है, पूरा स्क्रीन भरा हुआ, ये इस तरह से पूरा भरा हुआ। और ये स्विच टू वीडियो, क्लिक टू ओपन फाइल, पैकेज को, डेज लेफ्ट, प्लेस लेफ्ट, और ये वापस क्लिक करेंगे यहाँ पे तो वापस छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका सारा मैंने बता दिया। तो आपका लाइसेंसिंग, हाउ टू प्ले और हाउ टू एनक्रिप्ट, ये सारे सिस्टम से आप शुरू हो सकते हैं। और जैसे ही आप बाय कर लेंगे, जब आप बाय कर लेंगे तो आप अर्थ के अलावा किसी और पैकेज को भी आप एनक्रिप्ट करेंगे, कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आपके कई सारे पैकेजेस, आप कई सारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो डेमो में सिर्फ ये अलाउड है, लेकिन अगर आप उसको अपने लिए बाय कर लेंगे तो आप कुछ भी एनक्रिप्ट कर सकते हैं, किसी भी पैकेज से एनक्रिप्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जैसे मैंने आपको ये अभी ओपन किया था, वो एक थर्ड सैंपल था स्ट्रीमिंग वाला, उसको भी आप चला के देख लेना, वो इंटरनेट से स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी। और बाकी डिटेल आप जैसे जैसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं आपको पता चल जाता है, क्योंकि इसमें हेल्प काफी इन्वॉल्व होती है। और ये है चीजें, इसमें पढ़ना काफी पड़ेगा आपको। और वो लॉगिन आईडी का जो आप जहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, वहां मैं बताना भूल गया कि वहां पे आपके अगर 10 इकट्ठे क्रिएट करने हैं तो सेमीकोलन सेपरेट करके आप 10 के 10 आप इकट्ठे क्रिएट कर सकते हैं। ये सेमीकोलन वाली बात आप उस पेज के ऊपर जो क्लिक फॉर मोर हेल्प वाला काफी शुरू में खोला था, लिखा हुआ काफी था, वहां पे इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। दोबारा बताना चाहूंगा कि मान लो अगर आप 4 कस्टमर इकट्ठे क्रिएट करना चाहते हो, एक कस्टमर है R011, एक कस्टमर है 9988, एक कस्टमर है 236B, लेट अस से 3 लॉगिन आईडी क्रिएट करना चाहते हो, तो लॉगिन बॉक्स में अगर आप सिर्फ R011 एंटर करोगे तो एक क्रिएट होगा, सेमीकोलन लगा देंगे अगर आप तो दूसरे वाला, सेमीकोलन लगा देंगे तो तीसरे वाला, ये आप पेस्ट करके ओके कर देंगे तो सभी को सेम पैकेज लग जाएगा और सेम तरह से आपके 3 कस्टमर क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप एक ही क्रिएट कर रहे हो तो सिर्फ उसका फोन नंबर एंटर करो या वही लॉगिन आईडी जो भी आप बनाना चाहते हैं, वहां सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, सेमीकोलन तो ही लगाना है। अगर आप 3, 4, 5, 8, 10 इकट्ठे बना रहे हो तो वो आप यहां से बना सकते हो। इसके अलावा छोटी मोटी चीजें हैं, वो आप सारी इसकी हेल्प फाइल को पढ़ लेना, वो जो जगह जगह पे हेल्प लिखी हुई है उसको पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू।